गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। सो आज का दिन पता नहीं कैसा जाने वाला है, बट अच्छा ही जाएगा क्योंकि आज मैं वापस कल इतना ज़्यादा बोर हो गया था, मैं घर के बाहर ही नहीं निकला। मतलब मैं सुबह 12 बजे उठा, फिर इसके बाद 12:30 तक प्रॉपर तक उठा, फिर इसके बाद 1 बजे तक मैंने कुछ तो खाया, फिर उसके बाद मूवी देखने लग गया और मूवी देखने के बाद ना मेरे को वापस नींद आ गई। तो मैं 6 बजे तक सोया और फिर वापस उठ गया। फिर मुझे पूजा करना होता है तो फिर मैं पूजा की वजह से उठा सोचूं, वरना मैं सोता ही रहता। मतलब कल का जो दिन था ना मेरा बहुत ज़्यादा बोरिंग था, तो बट मैं इसलिए मैंने सोच लिया था कल से कि भाई कल घर पे बैठना बिल्कुल भी, भले ही 1 घंटे के लिए बाहर जाऊँगा पर जाऊँगा ज़रूर। तो अभी यस मैं इसलिए अभी जा रहा हूँ मेरा कुछ कंटेंट बनाने के लिए। तो यस उधर आकाश भी आ रहा है तो बहुत मज़ा आएगा। तो पता नहीं आज का ब्लॉग क्या और कैसा होने वाला, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा, मतलब मज़ा तो ज़रूर आएगा। तो अभी मैं निकल चुका हूँ और आकाश को मैंने बोला कि भाई मैं 4 बजे तक आऊँगा क्योंकि मेरे घर पे वो दूध देने वाला नहीं आया अभी तक। गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, आदमी। अभी ये बोलोगे आदमी दूध देता है क्या आपके यहाँ पे? आदमी नहीं, वो लेके आएगा। तो हाँ मतलब अभी मैं आकाश के पास जा रहा हूँ और वहाँ जाके देखते हैं कि क्या सीन है, बाकी मतलब आए। गाइस सो फाइनली मैं आ चुका हूँ एंड आकाश को पता नहीं, आकाश को अभी ऐसा लग रहा है कि मैं 1 घंटा मुझे और लगेगा आने में, और मैं आ चुका हूँ क्योंकि वो हम मुझे हमेशा सरप्राइज देता है। तो आज मैं उसे सरप्राइज दे रहा हूँ, पता नहीं वो सरप्राइज को लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं तो छूटते ही प्यार बांटता है वो। तो बस मैं आ गया हूँ और हमें थोड़ा छुप छुप के चलना पड़ेगा, वैसे वो इसमें होता है हमेशा। इसमें नहीं है भाई, स्टूडियो 1 में तो वो मतलब मैक्सिमम तो स्टूडियो 1 में ही रहेगा। इसमें भी नहीं है। योगेश भाई कैसे? आकाश है वॉशरूम में। बोलो यार कितना टाइम लगा रहे हो? अरे नहीं तो बोल यार। बेबी आधे घंटे से बजा रहा हूँ मैं, सिर्फ तेरे लिए आया हूँ इतनी जल्दी। मानता नहीं है साले। अच्छा वो खत्म हो गया क्या व्लॉग्स? व्लॉग खत्म हो गया, स्टार्टिंग में ऑटो में किया मैंने इसी भाई। आधे घंटे से बजा रहा तेरा भाई, और बताइए क्या कर रहा था? वो बाल काट रहा हूँ। ओके गाइस सो मैं यहाँ पे आया था एक ऑडिशन देने के लिए एक्टिंग का। सो वो मेरा मतलब आता हुआ है भी, मतलब मेरे को उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि वो अच्छी कास्टिंग थी, मतलब अच्छा कास्ट है उसका, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए। बाकी अभी आकाश गया था लोकट वाला, मतलब वो मेरे साथ ही आया था बट वो लोकट वाला निकल गया, तो उसको कुछ तो लेने थे वहाँ से। तो यस मैं अभी ऑडिशन के लिए, तो मेरा खत्म हो गया। तो अभी मैंने आकाश को बोल दिया कि भाई कहाँ पे तू, मिलते चल वापस आ। तो ये भी अच्छा है वो लोकल वाला है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बॉलिंग करने के लिए एंड हम लोग मिल रहे हैं सिटी बाज़ार में,
जहाँ पे बहुत बड़ा गेम जोन खुला हुआ है जहाँ पे बॉलिंग भी है, और बहुत टाइम हो गया भाई बॉलिंग नहीं खेली मैंने। और यस बहुत सारे गेम खेलेंगे, मज़ा आएगा भाई उधर। अगर भूख लग रही है पहले तो कुछ खाऊंगा। ओके गाइस, सो फाइनली मैं गेम मतलब मैं मॉल में आ गया हूँ, और अभी आकाश शायद से ऊपर ऑलरेडी चढ़ गया होगा, मतलब नीचे रहेगा, ये बहुत तेज है लौंडा, कभी मटकता रहे, तो पहले मिल लेते उससे। फाइनली हम लोग आते गए हैं, तो कुछ तो सीन कर देगा वो, मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर की साइड। बस ये है कि ऊपर की साइड कुछ भी ऐसा सीन ना करे भैया। पहले एक ढक्कन दिखाना है, इसमें से एक ढक्कन पिला दो पहले इसमें से। ढक्कन दिखा रहे थे, ढक्कन दिखा रहे। ये तो ऐसा लग रहा है नींबू पानी ऐसा। नहीं नहीं, ये अच्छा है ना। दारू दारू नहीं गाइस, ये ब्रीजर है ये। अच्छा भाई ऐसा नींबू ऐसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है वो है तो। अरे ये ट्राई नहीं करना भाई, अच्छा लग रहा है बस, यही दो हमें। अपनी अपनी ना चलाओ, हमारी बात सुनो भाई। अपनी चलाओ भाई, खाली भाई खाली, नेटवर्क नहीं आ रहे फोन। भाई क्या हो गया भाई, नहीं देने का मन है तो मत। भाई तो कैसे खोल रहे थे, पेप्सी के ढक्कन से खोलते हैं। भगवान करे जा ही ना तेरा, भगवान करे पूरा टूटेगा। तू देख देख तोड़ दिया ना, मैंने बोला था मर जा। गाइस देखो इसमें ना मैं आगे था कुछ टाइम पहले, जिस साले ने ऐसी टोक लगाई ना गंदी वाली कि तेरा नहीं जाएगा, साइड में चला जाए, इधर चला जाए। बेटा मैं अच्छा सोचता हूँ तेरे लिए, नहीं जाएगा, देख जाएगा ही नहीं, भगवान करे जा ही ना, और गया ही नहीं। गाइस मुझे लगा कि मैं बहुत पीछे था इससे, और मैं फाइनली जीत चुका हूँ। ये देखो ऊपर ही है और नीचे मैं हूँ। ऊपर योगेश नहीं है, ये देख नाम लिख रहा है सबको, यहाँ पे मैं जीत चुका हूँ। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है भाई। भाई हाँ भाई, एक्सपीरियंस था वो ना, लाइफ अच्छा था, मैंने जानबूझ के जीत लिया। हारता है तो रोता है सीधा। दूसरा मैच खेल रहे हैं, पैसे बचे। हाँ यस, तो अभी हम शायद से दूसरा मैच भी खेलने वाले। दो मिनट पहले गरीबों की तरह खा रहा था, स्टाइल में आ गया दो मिनट में। हाई स्कोर दीजिए 210। तेरा कितना? मैं नहीं मारा है, वो कर रहा है। तेरा कितना है? 53। बस हट। हाँ मेरा गैंगस्टर, जूते पाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है आज। मैं भी बोल रहा था मैं लोखंड वाला जा रहा हूँ। बचा है, डर गए वो, ऐसे निकल बाहर आए। एक तो गिरा मोस्टली क्या होता है, हम लोग कहीं भी शिकंजी पीते हैं या फिर नींबू पानी पीते हैं या शरबत पीते हैं, तो वह पीते हैं और पैसे दे देते हैं। ये अपना एक ऐसा स्टॉप बन गया है ना कि यहाँ पे आते हैं, चाचा से थोड़ी बातें करते हैं, चाचा स्माइल करते हैं, तो चाचा हमें पर हाई नहीं बोलते, चाचा चाचा हाई नहीं बोलते, हाई नहीं बोलते बिल्कुल। हाय तो बोल दो उसमें। और ना चाचे की जो शरबत है ना इतनी प्यारी रहती है, अगर वो ठंडी भी नहीं होती ना तो प्यार से देते ना तो बड़ी बड़ी प्यारी और बड़ी ठंडी लगती है। एक उनकी बेचारी शकल इतनी इनोसेंट है ना कि हमने एक बार बोला कि चाचा हमारे पास पैसे नहीं, बोले बेटा तुम्हारा ही है आराम से, बिना पैसे के पियो, पैसे से पियो, तुम्हारा ये सब। तो ये चीज़ें ना बहुत कम लोग बोलते हैं, मतलब ऐसा हर कोई नहीं बोल सकता मुंबई जैसे शहर में। और चाचा ने बोल दी तो भाई हम हमेशा हमारा यही स्टॉप रहता है, हम मैं और आकाश यहीं से पीते हैं हमेशा चीज़ें। और बहुत चाचा आज बहुत बहुत प्यारा बनाया आपने, ये मज़ा आ गया। ठीक है थोड़ा और डाल दो ना, मजाक कर भाई साहब, पूरी दुनिया बदल जाएगी, सारी चीज़ें बदल जाएंगी, पर ये जो स्टेशन है इसका भीड़ कम नहीं होगी, भीड़ कभी कम नहीं होगी अंधेरी की। मतलब देख रहे हो लोग ना भाई साहब, पूरे सब भर के हैं, मतलब सामने से लेके यहाँ तक। वाह हाँ 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 मजा आ रहा है भाई।
मतलब इतना रश होता है ना भाई साहब मुंबई में, स्ट्रगल है भाई जिंदगी में, स्ट्रगल बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसी से तुम आगे जाते हो। सो फाइनली मतलब आकाश मेरे घर चला गया है और मैं मेरे घर अभी जा ही रहा हूँ। स्टिल ट्रैफिक इतना ज़्यादा है ना मुंबई में कि सुबह सुबह से लेकर शाम तक हमेशा ट्रैफिक ही मिलता है। तो यह आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गया, बहुत ज़्यादा मज़ेदार गया। अब हम लोग घर पर जाएंगे, खाना खाने के टाइम पर हमें एक लड़की मिलती है पता है। तो बस मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि यार कल ना बहुत ज़्यादा काम है, तो यस इस वजह से मैं थोड़ा सा ही मतलब बातें करूँगा और वहाँ से खाना लेके आ जाऊँगा। एक्चुअली वो मैं आपको इसका स्टोरी भी बताऊँगा बढ़िया स्टोरी एकदम। तो अभी हम लोग बना टाइम इसके कर सकते हैं, फिर सारी चीज़ों के ऊपर बात करें। ओके गाइस, सो फाइनली मैं मेरे घर आ चुका हूँ एंड मैं अभी उस हालत में नहीं हूँ कि मैं खाना लेके आऊँ। सो यस, मैंने आंटी जी को बोल दिया है कि आंटी जी आप प्लीज़ किसी के हाथों खाना भिजवा दीजिए हो जाता है थोड़ा थोड़ा संभव, तो आप किसी के हाथ प्लीज़ खाना भिजवा दीजिए। तो यस गाइस, मैं क्योंकि मुझे कल एक डांस शूट करना है एंड बहुत अच्छा है वो वीडियो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से निकाल रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैंने काफ़ी कुछ सोचा उस चीज़ के लिए। एंड फिर एक ऑडिशन करना है मुझे एक्टिंग का, तो यस उसमें अभी तक वो याद ही कर रहा था, सोचा कि चलो व्लॉग एंड कर लेते हैं फिर आराम से याद करेंगे। तो मेरे पैर आज बहुत ज़्यादा थक गए, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गया क्योंकि मैं दो जगह ट्रैवल किया है, आज डांस भी किया फिर वहाँ पे ऑडिशन देने भी गया था जो नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ ही टाइम था, कुछ टाइम में एकदम से नहीं याद हो पाता, मुझे प्रॉपर टाइमिंग चाहिए, मुझे मैं अकेला ज़्यादा अच्छे तरीके से याद कर पाता। तो यस, ये जो ब्लॉग था ये इतना ही था आज का एंड होप करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा थोड़ा सा। तो यस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाकी यार मैं आज नहीं गया, बाकी बहुत सारा प्यार, आई लव यू ऑल, सब्सक्राइब कर देना गाइस। मेरी जो छोटी सी पैकेट है ना वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि देखो आज मैं तो आया नहीं तो इसलिए खाना देने के लिए मुझे खुद आई है सामने से, हाय कर दे, घूम रही है इधर उधर, हाय कर दे इधर उधर घूम रही है, मुझे खाना देने आई है, क्या लेके आई है आज मेरे लिए, घूम रही है इधर से उधर, चोर लग रही है चोर, बुला लूंगा उनको, आ जाएंगे वो भी इधर इधर इधर, बता मेरे लिए क्या लिखा है आज, हैं ढोकला। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो इसकी गाइस, देखो इसके पास भी फोन है, देखो देखा फोन देखा सबको, ये देखो क्या बात है निम्मी, आईफोन लाऊंगा तेरे लिए नेक्स्ट टाइम है ना, ठीक है। ये चॉकलेट किसने दिए, नहीं किसने दिए चॉकलेट, तुम्हारे, मैंने दिए ना, हाँ तो ऐसा बता तुम्हारे लिए बोल रही है, ऐसे तूने दिए मुझे, तो ला मेरी चॉकलेट वापस कर दे अब, अरे मेरी चॉकलेट है भाई वो वापस भी नहीं कर रही, ठीक है ठीक है निम्मी कोई बात नहीं, तू मेरे लिए खाना दे के आई ना तो इसलिए है ना, है अच्छा अच्छा, बाय निम्मी, नहीं मम्मा नहीं आ रही, गई गई लिफ्ट गई, गुड नाइट निम्मी, आई लव यू, चल बाय, पकड़ 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 बाय।